इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है जो आपका अफ्रंट। अफ्रंट का 151 से 53 तक सिनानिम पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोवोकेशन। क्या? प्रोवोकेशन। फिर है डिसाइपर। डिसाइपर का हो जाएगा इंटरप्रेट। इनएविटेबल। इनएविटेबल का क्या हो जाएगा? अनलाइकली। उसके बाद ब्यूटीफुल का एंटानिम बताना है। अगली एक क्वेश्चन आपका सीएसएफ या एसआईएलडीसी में आया हुआ है। टेरिबल। टेरिबल का हो जाएगा डिलेक्टेबल। क्या? डिलेक्टेबल। वाइडली। वाइडली का हो जाएगा नैरोली। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसे क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। वन हैविंग टू मच इंटरेस्ट इन एंड एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ, जो खुद की बड़ाई ज़्यादा करता है उसे क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, एफिडेविट। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए डबल एफ आई डी ए वी आई टी। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस है तो मैंने आपको क्या बताया था? लेट के बाद बी लग जाता है। लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हिम। फिर क्या है? पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति में विश्वास रखता है। ऑप्शन ए होगा थेस्ट, टी एच ई आई एस टी। एथिस्ट मीन्स तो वो होता है जो विश्वास नहीं करता है, जो नास्तिक होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 163 से पैसेज है। सबसे क्या है पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द पैसेज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? जेन गुडॉल्स फैसिनेशन फॉर एनिमल, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर, साइंटिस्ट एंड लिंग्विस्टिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेयर डिड जेन डू हर स्कूलिंग फ्रॉम, जेन ने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया था? लंदन से किया था। व्हाई डिड द ब्रिटिश अथॉरिटीज नॉट अप्रूव ऑफ डॉक्टर लीके एंड जेन्स प्लान, क्या हो जाएगा? बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ए वोमेन टू लिव एलोन इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। द टर्म वाइल्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या हो जाएगा? इन एन एरिया ऑफ ए प्लेस दैट इज स्पेशली रिमोट एंड इन विच इट इज डिफिकल्ट एंड डेंजरस टू लाइफ, जहाँ खतरे लाइफ के लिए खतरा हो। जेन नेम्ड ऑल ऑफ द चिंपैंजीज सी स्टडीड बिकॉज सी फिल्ट दे ईच हैड ए यूनिक पर्सनालिटी, हो जाएगा क्या? यूनिक पर्सनालिटी। जेन मेट डॉक्टर लुइस लेके इन केन्या में मिले थे, कहाँ पे? केन्या में। जेन से ट्वाय चिंपैंजी जुबली सिट्स इन ए चेयर इन जेन्स लंदन होम, व्हाई डिड डॉक्टर ली के हायर जेन टू असिस्ट हिम? बिकॉज ऑफ हर थोरो नॉलेज ऑफ अफ्रीका एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। द स्टडी स्टार्टेड बाई जेन गोडॉल इन 1960 कंटिन्यूज टिल डेट इन फॉर्म ऑफ रिसर्च इन गोम्बे। हर हस्बैंड एब्रप्टली एंडेड हिज परफॉर्मेंस, टेंस बताना है हमें, तो यहाँ पे एंडेड कौन सा टेंस हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म है वर्ब का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। यू हैव ब्रॉट फ्रूट्स एंड कोकोनट्स, हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। By hook or by crook, idiom and phrase है, किसी भी तरह से। By fair or foul means, to smell a rat, to suspect that something is wrong। फिर क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, She said the sun sets in the west, एक कल क्वेश्चन रात में मैं पढ़ाया था, क्या हो जाएगा? She said that the sun sets in the west, कोई changing नहीं करेंगे। Identify the correct sentence, करेंट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? द हाउस इज बिल्ट ऑफ रॉक, ऑप्शन डी। द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट, क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। ही ड्रूव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ही ड्रूव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ही स्कोफ्ड
टू द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन 181 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टू का यूज किया जाएगा। स्कोप्ड टू यानी किसी का बुराई करना, किसी आइडिया किसी विचार का। इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड, यदि उसने मेरा हेल्प किया होता तो मैं पास हो गया होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉफ़ी इज मोर प्रेफरेबल टू टी, इसको किस में हम बदलेंगे, इसमें हो जाएगा हमारा कॉफ़ी इज प्रेफरेबल टू टी, ऑप्शन बी। ही स्पोक वेल एट द मीटिंग लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा हमारा, क्या पता करना है यहाँ पे, एडवर्ब पता करना है, तो वेल जो है यहाँ पे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रॉन्ट भगौड़ा जिसे कहते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट वेन वी रिच्ड द स्टेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई नेवर हैड टेकन कॉफी वेन आई वॉज एंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड टू हिज मदर इज द लंच रेडी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिज मदर इफ द लंच वॉज रेडी, क्या, ही आस्क्ड हिज मदर इफ द लंच वॉज रेडी, इज का वाज कर देंगे, क्या कर देंगे, इज का वाज, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 189 का ऑप्शन सी। व्हेन द ओल्ड वुमन हर्ड दैट हर ग्रैंडसन हैड बीन अरेस्टेड फॉर रॉबरी सी गॉट ए बिग शॉक, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सी कौन सा, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। राम डाइड ऑफ फैटिग्यू, ऑप्शन ए 191 का, 192 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, 193, हमें करेक्ट सेंटेंस पता करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस पता करना है, तो यहाँ पे यू विल फेल हो जाएगा, क्या, यू विल फेल होना चाहिए, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 194, आई गॉट अप एट 5 o'clock एंड स्टडीड फॉर 2 hours आफ्टर टेकिंग ए बाथ, आई टुक ब्रेकफास्ट देन आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा और तीसरा, यहाँ पे क्या है, दो दो एडवर्ब, वेरी फ्लुएंटली डिलीशियसली परफ्यूम्ड, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल, तो यहाँ डाटर इन लॉज गलत है, ये क्या होता है, डाटर्स इन लॉ होता है। चेंज द पैसिव वॉइस, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वेयर बीइंग, क्या हो जाएगा, क्रिकेट वेयर बीइंग, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज सिंगुलर का प्रयोग होगा। इज एम आर वॉज वेयर को आगे क्या कर देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। सेलेक्ट द वर्ड चॉइस दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आर फ्रेज, एनी थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ। दे स्टिल थिंक दैट वोमेन आर इन्फीरियर टू मैन, इन्फीरियर के बाद टू का प्रयोग होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जो है आंसर की दे दिया हूँ, इससे आप लोग आंसर की मिला लें। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैथ रीजनिंग जी के सब कुछ बताया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में जब भी क्वेश्चन को दोहराया जाए तो उससे आपका फ़ायदा हो। थैंक यू।